तो दोस्तों अगले 3 मिनटों में मैं पूर्णिया के सभी प्रसिद्ध पूजा पंडाल और दुर्गा मंदिरों का दर्शन करवाने वाला हूं और मेरी कोशिश होगी कि सभी पूजा पंडाल से जुड़ी विशेषता बताने की और आपके लिए एक रोड मैप तैयार करके देने की, ताकि जो भी पूजा पंडाल को घूमना चाहते हैं उनको आसानी हो और जो शहर से बाहर है उनके लिए भी एक बेस्ट व्यू देखने को मिलेगा इस पूजा पंडाल में, ताकि आप भी पूर्णिया से बाहर होते भी पूर्णिया के पूजा को मिस ना करें। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं रजनी चौक स्थित पूजा पंडाल, जो कि 1977 से लगती चली आ रही है। हर साल यहाँ के पंडाल की भव्यता देखने होती है, पर इस साल इसके पंडाल को और विशेष बनाया रहा है। इसका जो प्राकृतिक पे बेस्ड थीम है और यहाँ की मूर्ति भी काफी बेहतरीन बनाई गई है। और अगले पंडाल की तरफ हम रुख करें तो ये है पूर्णिया के रजनी चौक पे स्थित ठाकुर बाड़ी पूर्णिया। दोस्तों ये मंदिर ही काफी प्रसिद्ध है अपने आप में, बट यहाँ के पंडाल को भी काफी विशेष बनाया गया है और बेलूर मठ की लुक को देने की कोशिश की गई है। अगले पंडाल की तरफ रुख करें तो ये पंडाल तो नहीं है, बट यहाँ पे काफी बेहतरीन साजो सज्जा की गई है और ये है शिव मंदिर लाइन बाजार। और दोस्तों अब हम रुक करते हैं आगे की तरफ, तो ये है पूर्णिया के इस साल की सबसे प्रसिद्ध और सबसे महंगी, इसे कहा जा रहा है कि बिहार की यह सबसे महंगी पंडाल है, और ये है कप्तान पारा की बहुत ही बेहतरीन इस्कॉन टेंपल पे बेस्ट, मायापुर इस्कॉन टेंपल पे बेस्ट ये पंडाल, और बहुत ही भव्य ये पंडाल, बहुत ही बेहतरीन लगती है। अगर आप उसका ड्रोन व्यू दिखलाओ तो आप बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं, काफी बेहतरीन दिखने वाली ये पंडाल भी काफी औसम है और यहाँ की जो मूर्ति है वो भी काफी विशेष तौर पर बनाई गई है और काफी बेहतरीन रखी गई है। और इंटीरियर की बात किया तो अंदर से भी पंडाल को बहुत ही बेहतरीन दिखाया गया है और कृष्ण के विभिन्न रूपों को इसमें अंकित किया गया है, जिसे आप देख के काफी एंजॉय करने वाले हैं और काफी आनंद में होने वाले हैं। तो दोस्तों अगले पंडाल की तरफ रुख करूं तो ये है दुर्गा मंदिर सनोली चौक, और यहाँ भी काफी भव्य पंडाल को बनाया गया है, साथ ही यहाँ की जो मूर्ति है उसे भी काफी बेहतरीन बनाया गया है और फूलों की साथ सज्जा भी काफी बेहतरीन की गई है। काफी बेहतरीन दिखने वाली ये पंडाल और मूर्ति भी काफी आकर्षित कर रही है लोगों को। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं अगले पंडाल की तरफ, तो ये है सनोली चौक के पेट्रोल पंप स्थित पंडाल, जो कि काफी भव्य है, उजले और नीले रंग की पंडाल, काफी बेहतरीन लग रही है, मूर्ति भी काफी बेहतरीन बनाई गई है। तो दोस्तों अब हम क्रॉस कर रहे हैं पूर्णिया के रेलवे स्टेशन ब्रिज को, और यहाँ पे खुक्सी बाग मार्केट के अंदर भी आपको काफी बेहतरीन केदारनाथ के थीम पे बेस्ट पंडाल देखने को मिलेगा। फिलहाल हम चल रहे हैं आगे लाइन बाजार दुर्गा मंदिर की तरफ, और ये भी काफी भव्य पंडाल बनाया गया है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी फिलहाल लाइन बाजार दुर्गा मंदिर पंडाल को, और यहाँ की मूर्ति का दर्शन भी करवाते हैं आपको। अब हम आ गए हैं पूर्णिया के सिटी की तरफ, और यहाँ पे है ये काफ़ी बेहतरीन इंडिया गेट के थीम पे बेस्ड ये पंडाल, और ये भी काफ़ी बेहतरीन है अपने आप में। दोस्तों अब हम चलेंगे पूर्णिया के वन ऑफ द फेमस मंदिर और सबसे प्रसिद्ध मंदिर पूरण देवी मंदिर में, और दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं पूरण देवी मंदिर के प्रांगण में और पूरण देवी माता का दर्शन करवाएंगे आपको। दशहरा का पर्व हो और पूरण देवी माता का दर्शन न हो तो आपका दर्शन अधूरा है। तो दोस्तों पूरण देवी माता का दर्शन करते हुए अब हम चलते हैं श्रीधाम टेंपल की तरफ, जो कि पूरण देवी मंदिर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। ये मंदिर अभी पूरी तरह से बनी नहीं है, बट हर साल दशहरा में यहाँ पे पूजा की जाती है मूर्ति स्थापित करके, और फिलहाल ये मंदिर 30% तक ही बनी होगी और काफ़ी बेहतरीन बन रही है ये मंदिर। अब हम पहुंच चुके हैं सिटी काली बाड़ी मंदिर, जो कि अपने आप अगेन काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और ये सोरा नदी के तट पर स्थित है। ये मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ पर भी लोगों की भीड़ लगी रहती है। और दोस्तों अब अंत में हम पहुंच चुके हैं पूर्णिया के मधुबनी बाजार स्थित दुर्गा मंदिर, यहाँ पर ही पंडालों काफ़ी भव्य बनाया गया है और यहाँ पर बेलूर मठ के जो थीम को है उसको फॉलो किया गया है। तो कैसे लगे आपको आज की हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं।